अगली खबर में बात करते हैं कोविड 19 को लेकर। आपको बता दें कि देश में जिस तरह से कोरोना की वापसी की आशंका जताई जा रही है, उसको देखते हुए जनप्रतिनिधि भी सतर्क हो गए हैं। कोरोना के लिए अस्पताल में व्यवस्था कराने के लिए पहुंच रहे हैं। बुधवार को सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन जिला चिकित्सालय पहुंचे और कोविड 19 वार्डों और अन्य सामग्रियों का निरीक्षण भी किया। विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जिला चिकित्सालय में उपस्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर होना आवश्यक है। उन्होंने जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं उन्हें भी पूर्ण रूप से व्यवस्थित रखें ताकि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन के लिए तड़पना ना पड़े और उनके परिजनों को परेशान ना होना पड़े। उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए, साथ ही कोविड 19 पॉजिटिव मरीज को लगने वाले इंजेक्शन, दवाइयाँ, पीपीई किट, वेंटिलेटर, स्टाफ और अन्य सामग्रियों की कोई कमी ना रहे। विधायक ने कहा कि जिले में अभी कोरोना पॉजिटिव एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन आगामी समय को देखते हुए सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। सभी मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाने से बचें, लगातार साबुन से हाथ धुले, इसके साथ ही अन्य तरह की सतर्कता बरतने की भी अपील की है। विधायक ने जिले वासियों से कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वे वैक्सीन जरूर लगवाएं, यह कोरोना से लड़ने में काफी मददगार है। विधायक के निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राकेश श्रीवास्तव, सिविल सर्जन विनोद नावकर, औषधि प्रभारी और स्वास्थ्य अमला मौजूद रहा। तत्कालिक व्यवस्था ये समझना था कि वास्तव में हमारी बाईपैक्स मशीन, हमारे वेंटिलेटर, हमारे आईसीयू रूम की क्या पोजीशन है, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति है, हमारे प्लांटों का क्या जानना था, ये तत्काल रनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद फिर से कोरोना के लौटने की आहट है। ईश्वर ना करे जो लौटे। और अभी तक तो हमारे जिले में कोई भी प्रकार का ऐसा एक भी पेशेंट यहाँ नहीं मिला है, लेकिन एहतियात जरूर बरते कि ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई मरीज हमारे बीच में ना आ जाए जिससे ये महामारी का रूप ले पाए, और वैक्सीन जरूर लगवाए। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।